उत्तर प्रदेश में ट्रेनों का पटरी से उतरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल गोंडा के बाद अब मुरादाबाद से रेल हादसे की खबर सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम माल गाड़ी डिरेल हो गई। बता दें कि ट्रेन के एक के बाद एक 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। माल गाड़ी गोंडा से गाजियाबाद जा रही थी। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये घटना उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद मुरादाबाद खंड के बीच हुई है। इस संबंध में ट्रेनों की आवाजाही के लिए मुरादाबाद सहारनपुर मेरठ गाजियाबाद के बीच एक वैकल्पिक मार्ग खोला गया है। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को यूपी के गोंडा स्टेशन के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के आगे के 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और अब उत्तर प्रदेश की अमरोहा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बेशक इसमें किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, जो कि राहत की बात है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे रेल हादसे होते रहेंगे। ये हादसा बहुत भयानक और बड़ा हादसा भी हो सकता था, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। रेलवे इस पर कब सख्त कदम उठाएगा, प्रशासन इस समस्या का समाधान कब करेगा, या फिर रेलवे की लापरवाही के चलते ऐसे ही लोगों की जानें जाती रहेंगी।